सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैकेनिकल लेक्चरर्स इंजीनियरिंग का जो पीपीसी का मैकेनिकल लेक्चरर का जो रिजल्ट आने वाली है। डेटेंट का एग्जाम हो चुकी है, ये आपका है पीपीएससी लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका ये संख्या है 42/2022। इसका संख्या है ठीक है, इसमें टोटल सीटें कितनी हैं 166। उसमें अलग अलग कैटेगरीज में देखिएगा तो यू आर में 68, ई डब्ल्यू एस में 17, बी सी में 17, ए बी सी में 31, एस सी में 25 और एस टी में 3 सीटें, और बी सी फीमेल में है आपका 5 सीटें। और इस सब में आपका 35% सीटें रिजर्व हैं किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये है इसका सीट के रिलेटेड। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए इसमें इस एग्ज़ाम में जो टोटल स्टूडेंट अपेयर हुए थे वो होते 8000+, बट जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए ठीक है, ये फॉर्म फिलअप हुआ था 8000+, बट जो एग्ज़ाम दिए हैं वो लगभग 60% है। 60% मतलब हो गया 48000 के आसपास। जब सिविल से कंपेयर करिएगा तो सिविल में 2200 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे ठीक है, उसमें 131 सीटें थी। तो मोर एंड लेस ऐसे मानिए आपका 3500 के आसपास एग्ज़ाम दिया होगा ठीक है, इससे भी कम होगा, जनरली 60% लेके चलते हैं। टोटल सीटें कितनी हैं 166, और इसमें 35% सीटें फीमेल के रिजर्व है ठीक है। इसमें देखिएगा एग्जाम का पैटर्न जो है, इसमें पहला स्टेज में है रिटर्न एग्जाम्स ठीक है। रिटर्न एग्जाम्स में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, ये सब टोटल क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल्स का और 30 क्वेश्चन आपका होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन होते हैं 0.5 मार्क्स, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं 40 मार्क्स। और किसी भी कैटेगरीज के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो है 12 मार्क्स ठीक है। 12 नंबर आपको मिनिमम लाना ही है आउट ऑफ 40 ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर किसी भी कैटेगरीज के लिए, दैट इज द मिनिमम कैटेगरी। तो इसमें ये है एग्जाम पैटर्न, तो पहला स्टेज में इसी का एग्जाम होगा। जैसे ही आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हो तो आप ठीक है, एग्जाम जैसे क्वालिफाई करोगे रिटर्न एग्जाम्स, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। इंटरव्यू में जब मेरिट लिस्ट बनेगा आपको, रिटेन एग्जाम प्लस बीटेक का मार्क्स, फिर एमटेक का ठीक है, फिर एक्सपीरियंस और आपका लास्ट में इंटरव्यू, ये 15 मार्क्स होता है, ये 25 है, ये 5 है, ये 10 है और ये आपका 40। टोटल ऐड करिएगा तो 100 हो जाता है, यही आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। यहीं से आपको आउट ऑफ 100 जो भी कट ऑफ आएगा आपका फाइनल, वो आएगा आउट ऑफ 100 में मेरिट लिस्ट ठीक है। अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ है रिटेन एग्जाम्स, उसके कट ऑफ के बारे में। तो ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी रिटेन एग्जाम हुआ, टोटल स्टूडेंट मान के चलिए आप 3500+ एग्जाम दिए होंगे ठीक है, क्योंकि सिविल में आपका था 2200+, तो इसमें 131 सीट थी और इसमें आपका सीटें है 166, तो सीट भी ज़्यादा है। और थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर्स में मैकेनिकल्स में बहुत सारे स्टूडेंट चले गए तो इसीलिए सीट, चूँकि ये फॉर्म है 2020 का और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सीट फॉर्म का भी थे 20 की, तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम ही है। जितने बच्चे उसमें दिए होंगे उतना ही इसमें ही है, ओनली डिफरेंस है कि इसमें लेक्चरर के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है बीटेक और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थे एमटेक, तो इसीलिए इसमें थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है लेक्चर वाले इन कंपेरिजन टू असिस्टेंट प्रोफेसर, बट दोनों फॉर्म क्या है सेम टाइम का। तो कट ऑफ ऐसा है, देखिए यू आर का जो मेल कैंडिडेट है उसका 27 से 29 और फीमेल का 20 से 21। उसके बाद है ई डब्ल्यू एस मेल 23 से 24, फीमेल के लिए लेस देन 15, याद रखिएगा ये,
बीसी 25 से 26 इसमें माइनस कर सकते हैं आप, माइनस 2, ठीक है। और आपका फीमेल का इसमें भी माइनस 2 करके चल सकते हैं आप, 15 से 17। ई बी सी मेल 20 से 21, ई बी सी फीमेल लेस देन 15, एस सी मेल 15 से 17, ठीक है, एस सी फीमेल लेस देन 13, एस टी मेल 14 से 15, एस टी फीमेल लेस देन 14। तो ये सब है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यू आर का 27 से 29, ई डब्ल्यू एस का 23 से 24, बी सी का 25 से 26, ए बी सी 20 से 21, एस सी 15 से 16, एस टी 14 टू 15। फीमेल में देखिएगा यू आर 20 से 21, ई डब्ल्यू एस लेस देन 15, बी सी 15 टू 17, ए बी सी लेस देन 15, एस सी लेस देन 13, एस टी लेस देन 14। तो ये आपका है कट ऑफ। आप मार्जिन लेके चल सकते हैं सब में प्लस माइनस 2, ठीक है, मार्जिन प्लस माइनस नहीं, माइनस 2 लेके चल सकते हैं, प्लस नहीं होगा, माइनस ही 2 होगा। तो यही आपका था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अब रिजल्ट आने वाली है आपके लिए, तो आप वेट करिए रिजल्ट का। थैंक यू।